आप सभी लोगों का स्वागत है एक बार फिर से केजे क्लासेस के यूट्यूब चैनल पर। हाँ जी, थंबनेल आपने बिल्कुल सही पढ़ा, इनकम टैक्स एक्ट अब खत्म होने वाला है। सर क्या बात कर रहे हो? हाँ जी, मैं ये आपको बिल्कुल सही कह रहा हूँ, 99% केसेस में अब इनकम टैक्स एक्ट खत्म हो जाएगा 1 फरवरी 2025 से। तो सर उसकी जगह पर क्या आएगा? उसकी जगह पर क्या बैंकिंग ट्रांजैक्शन टैक्स आएगा? आंसर इज नो। तो सर उसकी जगह पर क्या आएगा? उसकी जगह पर आएगा डायरेक्ट टैक्स कोड 2025। डायरेक्ट टैक्स कोड 2025। भैया ये बात मैं नहीं कह रहा, अगर आपको मेरी बात पर शंका हो रही है, हमारे फाइनेंस मिनिस्टर साहिबा ने ये चीज़ बोली है कि भैया डायरेक्ट टैक्स कोड आने वाला है, अगले 6 महीने के अंदर डायरेक्ट टैक्स कोड आ जाएगा। तो क्या सर इनकम टैक्स एक्ट पूरी तरीके से बदल जाएगा? क्या हमारे को इनकम टैक्स की रिटर्न साल में 12 बार भरनी पड़ेगी? अरे भैया ऐसा नहीं है। अगर मैं आपको बात करूं, जो डायरेक्ट टैक्स कोड की बात चल रही है वो ऐसा नहीं है कि अभी 6 महीने से चल रही है, 1 साल से चल रही है, इसकी बात बहुत पुरानी चल रही है। और अगर आप गूगल पर जाकर देखोगे तो पहले भी डायरेक्ट टैक्स कोड 2010 का बिल आया हुआ है, लेकिन ये पास नहीं हुआ था। उसके बाद 2-3 साल पहले भी, ठीक है ना, गवर्नमेंट ने कहा कि भैया इनकम टैक्स एक्ट बहुत पुराना हो गया है। वैसे तो 1961 से तो हम लोगों को पता ही है कि ये जो इनकम टैक्स एक्ट है 1961 से चल रहा है, इससे पहले भी इनकम टैक्स एक्ट चल रहा था। तो अब जब भी कोई टैक्स बहुत ज़्यादा पुराना हो जाता है, उसके अंदर इतने सेक्शन, इतने सब सेक्शंस हो जाते हैं, तो गवर्नमेंट क्या करती है, गवर्नमेंट एक नया टैक्स लाके दे देती है। अब वो जो नया टैक्स आता है उसमें हम लोगों के लिए, प्रोफेशनल्स के लिए बड़ी अपॉर्चुनिटी होती है। लेकिन अब आप कहोगे सर जब आएगा तब पढ़ाई कर लेंगे, ऐसा नहीं होता भैया। जब आएगा उसके बाद तो सारी दुनिया ही पढ़ेगी, लेकिन अगर आपको इसमें एज लेना है, अगर आपको इसका एडवांटेजेस उठाना है, तो अब आपको डायरेक्ट टैक्स कोड पढ़ना शुरू कर देना चाहिए 1 फरवरी 2025 से पहले। सर कहाँ से पढ़े डायरेक्ट टैक्स कोड? जो अभी 2-3 साल पहले गवर्नमेंट को प्रेजेंट किया था डायरेक्ट टैक्स कोड, क्या वो हमें मिल सकता है? अरे भैया वो तुम्हें क्यों मिलेगा, अगर वो पहले से ही लीक हो गया बजट में आने से पहले तो दिक्कत हो जाएगी। तो 2010 वाला जो डायरेक्ट टैक्स कोड बिल है, आप एक बार उसे पढ़ सकते हैं। ये यहां पर 400 पेजेज का डायरेक्ट टैक्स कोड आपके पास है। तो सर इसे पढ़ने से क्या फायदा होगा? इसे पढ़ने से आपको एक, ठीक है ना, आपको एक कंफर्ट मिलेगा, आपको एक आइडिया मिलेगा कि भैया जो डायरेक्ट टैक्स कोड आएगा वो कैसा होगा। ऐसा नहीं है कि इनकम टैक्स एक्ट की सारी चीजें चेंज हो जाएंगी, लेकिन जो इनकम टैक्स एक्ट पूरा कॉम्प्लिकेटेड है, ठीक है ना, वो आसान हो जाएगा। इसके अंदर भी हेड्स ऑफ इनकम होंगे जैसे पहले होते थे, ठीक है ना, इसके अंदर भी हेड्स ऑफ इनकम होंगे, सब तरह की सारी चीज़ें होंगी, लेकिन अब इसका जो तरीका होगा वो थोड़ा सा चेंज हो जाएगा। कुछ लोगों का मानना तो ये है कि जो डायरेक्ट टैक्स कोड गवर्नमेंट को दिया गया था उसके अंदर इन्होंने ये बोला था कि भाई डिडक्शंस को ख़त्म कर दो और न्यू टैक्स रिजीम को ले आओ। तो इन्होंने क्या करा कि भाई डायरेक्ट टैक्स के अंदर, ठीक है ना, पहले से पहले ही डिडक्शंस को ख़त्म कर दिया, पहले से पहले ही न्यू टैक्स रिजीम को लिया है। तो कई लोगों का ये मानना है कि अब डायरेक्ट टैक्स कोड नहीं आएगा, लेकिन हमारे को पॉजिटिव होप के साथ करना है, और पॉजिटिव होप के साथ हमारे को ये मानना है कि इनकम टैक्स एक्ट 1961 खत्म हो जाएगा और डायरेक्ट टैक्स कोड 2025 आ जाएगा, चाहे वो 70% 60% इनकम टैक्स की तरह ही हो। तो भैया आपको काम क्या करना है, आपको अपने टैक्स ऑडिट के साथ साथ थोड़ा सा समय निकालना है और इस डायरेक्ट टैक्स कोड 2010 को पढ़ना है। और इसके अलावा जो भी मटेरियल आपको मिलता है 1 फरवरी से पहले आपको वो पढ़कर रख लेना है। आपको अपने आप को मेंटली फिजिकली रेडी कर लेना है कि भाई 1 फरवरी 2025 से डायरेक्ट टैक्स कोड आ जाएगा। और ये कोशिश करनी है कि भाई डायरेक्ट टैक्स कोड कैसा आएगा इसे थोड़ा सा समझ लो। आप मेरी बात को समझे, अगर आपको डायरेक्ट टैक्स कोड 2010 को समझने में कोई दिक्कत आ रही है,
ठीक है ना। तो आप हमारे को कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं, हम क्या करेंगे इसके ऊपर छोटी छोटी वीडियो बनाते रहेंगे जिससे कि आपको इसका आइडिया मिल जाए। तो ये एक अफवाह नहीं है, ठीक है ना, ये बिल्कुल हकीकत की बात है कि 99% केस में डायरेक्ट टैक्स कोड आ रहा है और वो इनकम टैक्स एक्ट का एक सरल रूप होगा, एक ईजी रूप होगा। याद करो जब 2017 में जीएसटी आया तो गवर्नमेंट ने 2016 में जीएसटी के मॉडल लॉ दे दिए थे। अब कई लोगों ने पढ़े ही नहीं, उन्होंने कहा जी हम तो 1 जुलाई के बाद पढ़ेंगे जब आ जाएगा, तो वो थोड़ा सा डिले हो गए। तो मेरा मानना ये है कि जैसे जीएसटी हमने 2016 से पढ़ा, इसी तरीके से अब आप डायरेक्ट टैक्स कोड को पढ़ना शुरू कर दो। भैया मैं क्या कर रहा हूँ, मैं तो ये जो डायरेक्ट टैक्स कोड है जितना भी मटेरियल मिल रहा है, जैसे अभी मुझे ये 2010 वाला मिला, तो पहले मैं इसे पढ़ूंगा कि भाई इसके अंदर और इनकम टैक्स एक्ट 1961 के अंदर क्या क्या चेंजेज है, और उसके बाद जो भी मटेरियल पब्लिक डोमेन में आएगा तो हम उसे पढ़ने की कोशिश करेंगे। तो ये वीडियो बनाने का पर्पज ये था कि आप तैयार हो जाओ कि भाई डायरेक्ट टैक्स कोड आ रहा है, और एज ए प्रोफेशनल चाहे आप चार्टर्ड अकाउंटेंट हो, चाहे आप एडवोकेट्स हो, चाहे आप अकाउंटेंट्स हो, आप अगर इसके अंदर मेहनत कर लेते हैं अभी से और उस मेहनत को कंटिन्यू रखते हैं तो ये आपका भविष्य सवार सकता है डायरेक्ट टैक्स कोड। अगर आपको इसके रिलेटेड कोई क्वेरी है, कोई कन्फ्यूजन है, तो हमें कमेंट बॉक्स में लिखकर बताना, हम उसके ऊपर वीडियो बनाएंगे। हमने पिछली एक वीडियो बनाई थी जिसमें हमने बोला था कि भाई इनकम टैक्स खत्म होने वाला है, ठीक है ना, तो वहां पर गवर्नमेंट को उम्मीद थी कि भाई क्या पता बीटीटी आ जाए, बैंकिंग ट्रांजेक्शन टैक्स, तो हो सकता है बीटीटी अभी ना आए, अभी डायरेक्ट टैक्स कोड आए। तो भैया इसके लिए आप तैयार हो जाओ। आपको ये इन्फॉर्मेशन कैसी लगी मुझे कमेंट बॉक्स में लिखकर बताओ, और इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक शेयर करो। और हाँ, जैसे ही डायरेक्ट टैक्स कोड आ जाएगा, आप टेंशन आपको नहीं लेनी है, बहुत सारी वीडियोस हम अपने इस चैनल पर आपको देते रहेंगे जिससे आपकी नॉलेज बढ़ती रहे। और अगर आपको ये डायरेक्ट टैक्स कोड 2010 वाला चाहिए तो आप हमारी टीम को व्हाट्सअप करो, जो भी नंबर दिए गए हैं उस नंबर पे व्हाट्सएप को, हमारी टीम आपको इसकी एक कॉपी आपको दे देगी। इस वीडियो को देखने के लिए आपका दिल से धन्यवाद। थैंक यू फॉर वॉचिंग।